तो चलिए जितने लोग हैं उतने में ही शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, जरा जरा सेंटेंस के बारे में टच किया था, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, तो कल वाला थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूंगा, और हाँ कुछ नई बातें भी बताऊंगा आपको। पीडीएफ इसका मिलेगा, आज दे दूंगे यार, कल नहीं दे पाया था। तो कुछ लोग मैसेज करते हैं कि यार पीडीएफ कहाँ है यार, पीडीएफ कहाँ है। चलो देखो, तो पढ़ने क्या जा रहे हैं हम, सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेंटेंस के असल में सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बता दूँ, जो सेंटेंस के पार्ट्स होते करते हैं, वो सेंटेंस में दो पार्ट होते करते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता करता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो स्ट्रक्चर में हमने पांच चीज़ें पढ़ी थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्या आता है, एक्सटेंशन, अदर वर्ड जो होता करता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट असल में दो ही भाग होते करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपने समझ लिया था, सब्जेक्ट पता करने के लिए सेंटेंस में हु लगाते हैं, यानी कौन लगाते करते हैं, या फिर अटेंडेंस कौन लेगा, टीचमेंट, पेपर कौन चेक करेगा, टीचमेंट, तो हम क्या करेंगे, आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। दो परिभाषा मैंने बताया, जो काम करता है वही करता है, या फिर जिसके बारे में हम बात करें, जिस चीज, जिस स्थान, जिस व्यक्ति, जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता करता है। तो हु से पता करते हैं अगर वो प्रोनाउन या फिर नाउन होता करता है तब, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चर क्या होता करता है, मेन जो स्ट्रक्चर होता करता है वो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। क्या, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये मेन स्ट्रक्चर है। अब इस प्रेडिकेट को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले हेल्पिंग वर्ब मिलता है, फिर मेन वर्ब मिलता है, फिर ऑब्जेक्ट मिलता है, और ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो एक्सटेंशन मिलता करता है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें कब मिलती हैं, प्रेडिकेट में, ठीक है ना। तो दो पार्ट होते हैं असल में, दो ही पार्ट होते हैं। कोई पूछे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो असल में दो ही पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंतर्गत इतने सारे पार्ट्स होते करते हैं, मतलब प्रेडिकेट के अंदर इतने सारे आते करते हैं। जैसे सेंटेंस लेते हैं कि वह एक कार खरीदेगी, वह कार खरीदेगी, चलो वह एक कार खरीदेगी। तो जाहिर सी बात ही एक सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली बात, कौन, यानी हु विल बाय अ कार, कौन एक कार खरीदेगी, कौन है वो जो एक कार खरीदेगी, वह है वो। तो वह तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा बचा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, आज दे दूंगा, तैयार है, बस आपको अपलोड कर दूंगा। तो स्टडी मटेरियल जहाँ पर है ना, ऐसे ऐसे स्लाइड करते करते जाओगे उधर स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो वह एक कार खरीदेगी, ये कहलाएगा। अब इस प्रेडिकेट के अंतर्गत हमारे इतने सारे आते करते हैं एलिमेंट्स। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सटेंशन, ये आज की वीडियो में हमें पढ़ना है। और हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, तो उसको मैं तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा जिसमें तुम्हें सब्जेक्ट मतलब बहुत सारा रहेगा। तो सब्जेक्ट फ्रेज भी हो सकता करता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसमें सब्जेक्ट फ्रेज भी मिलेगा आपको, जो आज पीडीएफ दूंगा। तो सब्जेक्ट फ्रेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते करते हैं। तो जैसे एक शब्द हमारा सब्जेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, वह एक कार खरीदेगी, है ना। रामू पप्पू को पीटेगा, तो ये क्या है, इसमें पीटने वाला कौन है, रामू पीटेगा किसको, पप्पू को। तो रामू यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट, पीटने वाला कौन है, है ना, और पीटने वाला कौन है, वो हमारे पप्पू हैं, ठीक। तो ये सारे जो हमने देखे थे, इनमें एक एक शब्द हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाता था। लेकिन कुछ सेंटेंस हमारे लंबे लंबे भी हो सकते करते हैं, जैसे कि मान लो कोई हम सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन, तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है। मान लिया सेंटेंस है, पहले हिंदी में समझना सीखेंगे तब इंग्लिश में समझेंगे। एक सेकंड, सब लोग हैं कि मैं अकेले ही लगा हुआ हूँ, 8 लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बार बार आगे पीछे क्यों हो जाती है गिनती, मतलब लोग आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, नेट सबको सही आ रहा, आवाज़ आ रही, यस नो बोल दो यार, ठीक है, आवाज़ आ रही सबको। अरे कृष्ण कांत, आओ 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 तुम्हारा ही तो इंतजार था। चलो, तो तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त कौन है, हु इज़ माई फ्रेंड। तो
तो तुम्हारा दोस्त जो है वही मेरा दोस्त है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन लगाने पर हमें क्या मिल रहा है, तुम्हारा दोस्त। तो तुम्हारा तुम्हार लिख होता है तुम्हारा दोस्त, यहाँ दो शब्द हैं, तो इसको हम बोलेंगे योर फ्रेंड। क्या बोलेंगे? योर फ्रेंड। तो ये हमारा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट में एक ही शब्द हो, सब्जेक्ट फ्रेज भी आ सकते हैं। फ्रेज यानी एक से अधिक शब्द जब होते करते हैं लेकिन उनमें वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये सब नहीं होता करता, फ्रेज कहते हैं। अगर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसे वर्ब फ्रेज कहेंगे हम। कौन सा फ्रेज? वर्ब फ्रेज कहेंगे, असल में वर्बल फ्रेज बोल देते करते हैं, वो सब बात की बात है यार हमारी, ठीक है। तो योर फ्रेंड इज ऑल्सो माई फ्रेंड, योर फ्रेंड इज ऑल्सो माई फ्रेंड, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि जो सेंटेंस है उसमें जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट है। अब जैसे ये हो गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, इसका जो पहला ट्रांसलेशन बनेगा वो बनेगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको दूसरी तरह क्या बनाएंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। तो दोनों सेंटेंस सही हैं, कोई गलत नहीं है दोनों में, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था, एक शब्द यानी दिल्ली। नीचे वाले सेंटेंस में देखें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की राजधानी। अब मैं पूछूँ दिल्ली क्या है, दिल्ली कौन है, तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। अब हम पूछे भारत की राजधानी क्या है, कौन है, तो वो हमारी दिल्ली है। तो कौन लगाने से असल में पर्सन पता चलते करते हैं, यहाँ पर हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा है। तो यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, दिल्ली के बारे में और उसके भारत की राजधानी के बारे में, तो दोनों सेंटेंस हमारे हो सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, कई लंबे लंबे शब्द आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, तो सब्जेक्ट में ज़्यादा रिविज़न की आपको जरूरत नहीं, जिसके बारे में बात होती वही होता है। और इंग्लिश में स्टार्टिंग में कौन आता करता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बाकी मटेरियल, कहने का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंपल सेंटेंसेज में, ओके। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, अब आपको आने वाला है मजा। तो चलिए ये सब मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। और यार जुड़े 35-36 लोग हैं लेकिन क्लास में आते हैं नौ लोग, उसमें से तीन लोग तो मेरे पहचान वाले हैं, ठीक है। तो फिर जुड़े क्यों थे जब क्लास में तुमको आना ही नहीं था। तो सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर जो था वो हमारा क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन था, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर होता करता है, इसे मास्टर फार्मूला बोलते करते हैं हम। अगर हाथ की पाँचों उंगलियाँ ऐसे करें तो हमारी पाँचों उंगलियों में आ जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। ये किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक सीक्वेंस होता करता है कि पहले इसी तरह की चीज़ें आएंगी। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस की बातें चल रही हैं, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, 10 लोग हो गए, मज़ा आ गया। तो सब्जेक्ट की पढ़ाई हो चुकी भाई साहब, वीडियो आपको मैंने वो जो रिकॉर्डेड वीडियो था ना उसको थोड़ा मतलब ठीक से कर दिया, सीधा कर दिया, तो YouTube में डाल दूंगा आज रात को, ठीक। थोड़ा हैवी क्वालिटी का, 6 GB का यार। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ाई होगी आज, किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ाई होगी। तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी तक कितना नॉलेज रखते हैं, वो नॉलेज ये है कि हेल्पिंग वर्ब होती है ना, और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है ये सब हमें आज पढ़ना था। एक सेकंड यार, इंक डालूं, बिना इंक के मज़ा नहीं आ रहा, तो दो एक सेकंड नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, जैसे हैज़ हो गया, हैव हो गया, इज एम आर वगैरह हो गया, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो कल अगर आप क्लास में थे तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हेल्पिंग वर्ब 24 होती हैं, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। गंदा हो गया हाथ। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, टोटल 24 होती करती हैं। लेकिन आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ होती, कब नहीं होती करती, पूरा इसके बारे में बेसिक समझेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा
तो यार मजा नहीं आएगा, है ना? क्योंकि जब तक मार्कर में इंक नहीं रहेगी तो लिखने में मजा नहीं आएगा। चलो, तो हेल्पिंग और क्या होती करती, पहले तो इसको हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं। हेल्पिंग मतलब होता करता है सहायक, सहायक, और वर्ब यानी होता करता है क्रिया। तो आधा कॉन्सेप्ट तो हम तब समझेंगे जब हम मेन वर्ब पढ़े रहेंगे। तो हेल्पिंग यानी जो मदद करने आ रही हो, जैसे मेन वर्ब एक सेंटेंस में दी हो तो उसकी मदद करने कौन आ रही, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ होती है, क्यों किसी सेंटेंस में वाह क्यों यूज़ क्यों होती है, वो आती करती है मेन वर्ब की मदद करने के लिए। तो मेन वर्ब की मदद करने आती मतलब ये क्या हुआ कि सेंटेंस में ऑलरेडी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही मदद करने, ठीक है? तो हमने पहले दिन आपको क्या बताया, पहले लेक्चर में, कि जब वही कोई सेंटेंस होगा तो सेंटेंस है मतलब 100% उसमें एक मेन वर्ब यूज़ हुई है और मौसम बहुत ही गड़बड़ है, ठीक। नेटवर्क बस सही रहे तो क्लास हमारी बंद नहीं होगी। एक सेकंड, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। सर कल का थोड़ा रिवीजन, अरे रिवीजन हो गया दीदी, एक सेकंड और मैसेज था। कितना पढ़ा चुके हैं अभी तक, मैं लेट हूँ क्योंकि अभी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी बस वही रिवीजन करा रहे थे, वही बकवास चल रहा था हमारा अब थोड़ा शुरू हुआ है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में देख रहे हैं, तो मेन वर्ब जो है सेंटेंस में होगी ही होगी। अब कहीं वो मेन वर्ब के नाम से रहेगी, कहीं वो दूसरे नाम से रहेगी, लेकिन रहेगी ज़रूर। उसकी मदद करने के लिए कौन आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये पहले से रहेगी, ये बाद में आती करती। तो किसी सेंटेंस में हो सकता है कि हमारी मेन वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब ना हो। अब मदद करने आ रही तो मदद करने क्यों आती, पहले तो ये समझेंगे। तो जो मेन वर्ब होती करती, जैसे मान लिया हम यहाँ पर एक गो मेन वर्ब ले रहे हैं, तो गो है, तो गो को हम ज़्यादातर क्या बोल सकते हैं, अगर हम पांच पाँव की बात करें मेन वर्ब में, जैसे मान लो पढ़े हो, तो गो होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, गोइंग होगा, और क्या होगा, गोज होगा, ठीक। तो इन पांचों फॉर्म की बात करें तो इन वर्ब में जितने हैं, ये वर्ब जो हैं मेन वर्ब हैं सारी, इनमें अभी इतनी अपने आप में ताकत नहीं है कि अपने आप को कई टेंस में यानी कई टाइम में या फिर कई मूड में अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर सकें। कौन? मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब होती करती हैं वो टाइम और मूड में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, कई जगह नहीं कर पाती। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, आई गो, मैं जाता हूँ, आई वेंट, मैं गया, बट आई गो हम नहीं बोल सकते। अब मैं जाऊँगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जाता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा आगे की बातें चल रही हैं, मैं जाता हूँ, आई वेंट यानी मैं गया, ठीक है, आई गो यानी मैं जाता हूँ। अब हमें यहाँ पर बनाना क्या है सेंटेंस, मैं जाऊँगा। तो मैं जाऊँगा के लिए हम देख रहे हैं कि वर्ब यहाँ भी जाने की बात थी, यहाँ भी जाने की बात थी, यहाँ भी जाने की ही बात है, लेकिन यहाँ पर जिस रूप में आ रही तो इस वर्ब में इतने ही होते हैं, इसके अलावा वर्ब कुछ नहीं है। तो वर्ब में अभी क्षमता ही नहीं कि वो अपने आप को फ्यूचर में बता सके। ये प्रेजेंट में बता सकती, पास्ट में बता सकती, लेकिन फ्यूचर में नहीं बता सकती। तो फ्यूचर में बताने के लिए हमारी मदद करने कौन आती है, एक हेल्पिंग वर्ब, जिसे यहाँ पर विल बोला जा रहा। तो विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि गो मेन वर्ब की क्या करने आ रही है, मदद करने आ रही। मदद क्यों कर रही है, क्योंकि वर्ब में इतना पावर नहीं कि अपने आप को कई टेंस या फिर कई मूड। टाइम मीन्स यहाँ पर हमारा सेंस जो है वो टेंस से है, मूड मीन्स हमारा जो सेंस है वो मॉडल्स से है, ठीक है, मॉडल्स या फिर जो भी ऑक्सिलरीज हम आगे पढ़नेंगे, ठीक, बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए, उनके बिना नथिंग। तो टेंस और मूड में, टेंस और मॉडल्स में, किसी भी समय में या फिर किसी मूड में बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे अब अगर हम एक सेंटेंस बोलें कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, हमारी सारी की सारी मेन वर्ब आएगी, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम ये बोलें कि मैंने इंग्लिश सीखी है, मैंने इंग्लिश सीखी है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मतलब मैंने इंग्लिश सीखी है, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, मैंने इंग्लिश सीख ली है। तो यहाँ पर ये वर्ब थी, मेन वर्ब थी, यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। तो इस वाले सेंटेंस में, इस मेन वर्ब में इतना ताकत था
कि ये किसी का मतलब मदद नहीं लेना चाहती, अपने आप में ही सब कुछ है, अपने आप में वो सब बता रही। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, इसमें इतना पावर नहीं कि अपने आप में सब बता दे, इसको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए? अपना टेंस बताने के लिए, अपना मूड बताने के लिए। ठीक, तो टेंस कौन सा बता रही? फिलहाल के लिए प्रेजेंट बता रही, आज पढ़ेंगे भाई जी। तो ये एक टेंस के लिए आ रही है और ये हेल्पिंग वर्ब आ रही, मतलब सेंटेंस में ऑलरेडी मेन वर्ब है। सो क्या हम इसे हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं? नहीं, सेंटेंस में पहले हमारी कौन आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब तो होगी ही होगी, उसके अलावा अगर उस मेन वर्ब को जरूरत की नहीं मदद की जरूरत पड़ती है तब उसमें कौन आएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती करती। तो आज आपने एक बात और अच्छे से मतलब कड़ाई के साथ सीख ली कि कोई भी सेंटेंस होगा दुनिया का उसमें मेन वर्ब होगी ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब का काम पूरा नहीं हो पा रहा तो वो हेल्पिंग वर्ब से मदद ले रही, बोले भैया आओ थोड़ा मदद कर दो, भूखन मर रहे हैं हम, खाना पीना दोगे कि नहीं, तब आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। बाकी नहीं आता करता, बहुत स्टर्ड है अपना। ठीक है, अब यहाँ देखते करते हैं। तो ये थी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी। अब मेन बात यहाँ पर ये आती करती है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती करती हैं तो यूज़ क्यों करते हैं सेंटेंस में? तो आपसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर होंगे वो यही पूछेंगे आपसे, और लुक्की पुक्की आपसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ क्यों करते हो। तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि मेन वर्ब में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं कि वो अपने आप को कई रूपों में बता सके, इसलिए मेन वर्ब के टेंस और मॉडल्स यानी मूड, उसके टाइम और मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो हम क्या बोलते करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब है ना, दैट सपोर्ट्स द मेन वर्ब एंड कम्स बिफोर इट इन एनी सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब है एक वर्ब ही है, दैट मीन्स जो कि एक कंजक्शन है, सपोर्ट्स यानी मदद करती है, किसकी? द मेन वर्ब की मदद करती है, एंड यानी और, कम्स यानी आती है, बिफोर इट इसके पहले आदि करती है, ठीक है ना, इन एनी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ से हमने एक ठो फार्मूला हमेशा के लिए रख लिया कि हमेशा एच बी आएगी तभी एम बी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर हम मेन वर्ब यूज़ कर दें प्लस हेल्पिंग वर्ब देन दिस इज गलत हमारा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आती है। अच्छा, क्वालिटी सही आ रही है आज, क्वालिटी थोड़ा आप लोग को इम्प्रूव्ड लग रही होगी है ना, क्योंकि आज मैं अच्छे वाले फ़ोन से कर रहा हूँ। अरे भैया मैसेज मत करो, हाँ हेडफोन का यूज़ करें, क्या करें, दबंग आदमी नहीं हम जिस दिन गाना गाएंगे हुड़ हुड़ दबंग उसी दिन तेज़ आवाज़ आएगी। सो बाहर थोड़ा मौसम गड़बड़ है ना, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही। वो क्या है, मैं मौसम से वो हूँ, कनेक्टेड हूँ, अगर ठंडी रहेगी तो बहुत तेज़ बोलूँगा चलो हो गया, थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, सुनाई दे रहा? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, फिर आपको आगे एक पढ़ाई बताएंगे। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है तो कितने प्रकार से होती करती है और उसकी आईडी क्या होती है। तो जो सब्जेक्ट है उसकी आईडी हमने क्या पढ़ी थी, आईडी ऑफ द सब्जेक्ट इज़ हु, क्या है, हु। किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट पहचानना है तो ज़्यादातर हम हु लगाने से पता कर लेते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहचानना है तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो उसके पहले एक छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, आईडी का कॉन्सेप्ट है, और किसका, इंक बंद है, हाँ बंद है, आईडी पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसको हम पता कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक सेंटेंस दिया गया है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये सेंटेंस आप सबको दिख रहा है ना, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस लेंगे, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, दो सेंटेंस है आपके पास, बहुत अच्छे सेंटेंस है मॉडल के लिए, मैंने जो पढ़े उनके लिए। तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कौन इंग्लिश बोल सकता है, आपुन, मैं तो कौन बोल सकते हैं, मैं, जब हमने हु लगाया, हु लगाया यानी हु कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो हमें एक सब्जेक्ट मिला आई। अगले सेंटेंस में तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, सीखनी चाहिए, तो
कौन इंग्लिश सीखनी चाहिए थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा। अगर हम इसमें डायरेक्ट शाब्दिक अर्थ कौन लगाते हैं तो थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो शब्द शुरू में आ रहा है वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो हम जानते हैं। और कल हमने सब्जेक्ट में यू की हिंदी क्या बताई थी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमने, आप, आपसे, आपको, आपने, है ना। तो तुम्हें हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो मेन होता करता है, मेन मीन्स तुम, मानक जो इसका मेन है, मूल जो है, ये क्या है, तुम है। तो तुम को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। तो बात ये है कि पता कैसे करेंगे, तो कौन है वो जिसको इंग्लिश सीखनी चाहिए। हम बोलते हैं तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम सबको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो सीखेगा कौन, कौन सीखेगा, तुम सीखोगे, ना कि तुम्हें सीखोगे, तुम्हें सीखोगे कि तुम सीखोगे, तुम सीखोगे। तो यहाँ भी सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हमारा यू ही कर रहा है। तो कौन है वो लगा देंगे, कौन है वो जिसे इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम हो वो, है ना, आप हैं वो। तो यहाँ पर यू और यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गए हमारे। अब बात आती करती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब की आईडी आप समझ लीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब होती करती है सेंटेंस के, सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस के कहाँ मिलती करती है, लास्ट में। कहाँ मिलती है, सेंटेंस के लास्ट में, यानी द एंड जहाँ पर होगा, सेंटेंस जहाँ खत्म होगा वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब इट हो, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब अपने फ्रेज में हो। तो 24 हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, फिर इनको पहचानना सीखेंगे। तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं जानता हूँ, अब तुम लोग भी जानते हो, बहुत अच्छी बात। नहीं जानते तो यार 2 महीने रुक जाओ, ट्रेंड कर दूंगा इंग्लिश में, पूरी बुक ट्रांसलेट कर लोगे, ऐसा ट्रेंड हो जाओगे। तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो सकता हूँ यहाँ पर क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। नीचे वाले सेंटेंस में तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, चाहिए यहाँ पर क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। सकता हूँ को क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यू, एक सेकंड, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, मुझे एक वो याद आ रहा है, नहीं, हो गया, उसको बाद में करा देंगे। चाहिए को क्या बोलेंगे, शुड, एक तो बात याद आ रही थी, उसको बाद में करा देंगे। तो सकता हूँ को क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैन, और चाहिए को क्या बोलेंगे यहाँ पर, शुड बोलेंगे। ये दोनों एक हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे बाकी सेंटेंसेस होते करते हैं तो उनमें भी हेल्पिंग वर्ब होती करती है, लेकिन इनमें यही वाली हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसे बोलूं वह अच्छा है, वह अच्छा है, ठीक है ना, यह पंखा खराब है, यह पंखा खराब है, तब हमें यह देखना है हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, यह समझना है। सबसे पहले आपको मेन वर्ब ढूंढनी है, मेन वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब होगी, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी कब, जब सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन वर्ब इस सेंटेंस में है कि नहीं, मेन वर्ब यानी मुख्य काम, आके जो काम हो रहा है। तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या होगी, हमारी बोलना, पता, ये बताने के लिए नहीं, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तो मेन वर्ब क्या होगी यहाँ पर, सीखना। तो हम जानते हैं कि मेन वर्ब यहाँ बोलना है और मेन वर्ब यहाँ सीखना है, लेकिन अगर वह अच्छा है या पंखा खराब है, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो पहली बात तो अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये कल पढ़ेंगे वर्ब वाले में। तो वह अच्छा है यानी उसके होने की बात चल रही है, तो कुल मिला के अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यही हमारी मेन वर्ब है। यह पंखा खराब है, यही हमारी मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ। वह अच्छा है तो कोई काम कर रहा है, वो दौड़ रहा, खेल रहा, कूद रहा, चिल्ला रहा है, रो रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा ना, वह सिर्फ अच्छा है, उसके होने की बात हो रही है, वो कोई काम धाम नहीं कर रहा था। जब काम धाम नहीं कर रहा तो मेन वर्ब है, नहीं है। तो एक बात बताओ, जब वो कोई काम नहीं कर रहा, जब वो कोई वर्ब मतलब कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो उसमें मेन वर्ब नहीं है, दूसरे रूप में है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है, जो हमारा करने वाला सेंस होता करता है। तो मेन वर्ब यहाँ नहीं है, तो जब मेन वर्ब ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, सेंटेंस में ऑलरेडी एक मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उसकी मदद करने आ रही है, भैया तुमसे ये काम पूरा नहीं हो रहा, तुम्हें हमारी जरूरत लेनी पड़ेगी। वर्ब बोलता है आप उन कर लेगा, कुछ देर बाद वह हेल्पिंग वर्ब बुलाता है, ओ भाई थोड़ा आ जाते तो हमारी मदद हो जाती, तो भैया फिर आते हैं दौड़ के, आखिर जरूरत पड़ी जाती, हो गया, आप बुला लेना था पहले। तो हेल्पिंग वर्ब कब आती, जब ऑलरेडी सेंटेंस में मेन वर्ब हो। तो इस सेंटेंस में तो मेन वर्ब यानी मुख्य काम ही हो रहा है, जब हमारे डू यानी कुछ करने का सेंस आएगा, तो करना तो सेंस ही नहीं आ रहा। यह पंखा खराब है, क्या पंखा चलता है, क्या पंखा चल रहा है, क्या पंखा उड़ रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के पंखा कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ पंखा वहाँ पर खराब पड़ा है अपना बेहोश एकदम। तो यहाँ भी मेन वर्ब नहीं है, है लेकिन दूसरे रूप में, डू के रूप में नहीं है। तो जब मेन वर्ब नहीं है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं आएगी। तो कल जो आपको डाउट था कि है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नहीं है, है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं। जब तक सेंटेंस में कोई मेन काम नहीं होगा, मेन काम मीन्स
दौड़ना, खेलना, कूदना, भागना, पढ़ना, लिखना, धोना, पीटना, मारना, कसना, जो भी हैं ये सब काम अगर नहीं होंगे तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नॉट एग्जिस्ट से क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब नॉट एग्जिस्ट से। ऐसे इंग्लिश कहीं पढ़े हो, हेल्पिंग वर्ब नॉट एग्जिस्ट, गजब है। तो हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं आती है, ये चीज़ आप समझ गए। बस हम आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप ये समझ जाओ कि मेन वर्ब जब होगी तभी हेल्पिंग वर्ब होगी। ये बात छोटी छोटी बातें मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें सिर्फ रिवीजन से आती हैं, आज बताऊँगा चार दिन बाद भूल जाओगे, इसलिए वीडियो थोड़ा रिवीजन करना ज़रूरी है। कौन है वो जो वहाँ खड़ा है? हाँ, तो ये चीज़ हम समझ गए, इनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मेन काम नहीं हो रहा, इधर वाले में आते हैं। तो यहाँ मेन काम हो रहा है बोलना और सीखना। तो हेल्पिंग वर्ब की आईडी हमने समझ ली सेंटेंस के दे द एंड में, जहाँ पर सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब मेन वर्ब क्या होगी उसी के साथ चपकी होती करती है। इसी के साथ तुम्हें मेन वर्ब की आईडी बता देता हूँ, यानी जिस मेन वर्ब में कुछ करने का सेंस आएगा। मेन वर्ब तीन प्रकार से यूज होती है, कल पढ़ेंगे उसके बारे में। तो मेन वर्ब में जब कुछ करने का सेंस हो, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, पीटना, नहाना, धोना, ये करने वाले सेंस है, तो वो जब होगी तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले। हाँ, वो मुझे याद आ गया जो तीसरे में भूला था, वो अब तुम लोग को बताऊंगा, फिर भूल जाएगा मेरे को। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले कौन आता है? हमारा मेन वर्ब आता करता है जस्ट पहले। सो जो मेन वर्ब होती है यानी फाइनाइट वर्ब, जो कि वर्ब वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कहाँ क्या किसे कैसे यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम समझेंगे। तो फिलहाल मेन वर्ब यानी जो मेन वर्ब होती करती है, मुख्य क्रिया जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती करती है, ठीक, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले यूज़ होती करती है। जस्ट पहले यानी इस बात को गांठ बांध के रख लो, चाहे जो बांध के रख लो, तुम्हारी मर्जी। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें, बोलना एक मेन वर्ब है, तो सकता हूँ के जस्ट पहले एक वर्ब आ रही है बोलना, चाहिए कि जस्ट पहले एक वर्ब आ रही है सीखना, तो ये हमारी सेंटेंस में मेन वर्ब होगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगी? सेंटेंस के लास्ट में होगी। सो हिंदी में जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी पोजीशन कहाँ है? सेंटेंस के लास्ट में। ये कहाँ है? इन हिंदी, ये है हिंदी में, ठीक है ना। वैसे हिंदी के अक्षरों को इधर उधर करो तो बहुत अच्छा नाम बनता है। तो मेन वर्ब के जस्ट पहले क्या है हमारा? क्या बता रहा हूँ मैं? कुछ नहीं बता रहा मैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले क्या है हमारा? मेन वर्ब है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों की आईडी क्या है, हिंदी के लिए बताई जा रही, किसके लिए बताई जा रही? इंग्लिश के लिए। बट इन इंग्लिश जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब कैन बी टू थिंग्स, एक हेल्पिंग वर्ब एंड एक मेन वर्ब। तो जब मेन वर्ब होगी तो उसे ज़रूरत पड़ेगी अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, या फिर हो सकता है दोनों ना आए, ठीक है ना। अच्छा, दोनों में से एक तो रहेगा ही, वो ये वाला है, वो रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा ही रहेगा, उसके बिना सेंटेंस अधूरा है मेरी तरह। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो क्लियर रखना ये चीज़ें, ठीक। अब मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं उतनी समय भूल गया था, ठीक है। ओ माय गॉड, मेरा 500 MB डाटा बचा है। अच्छा, मैं दिख रहा था ना सबको? आधे लोग हो गए गायब, क्या बात है। नमस्ते सर, नमस्ते, यस सर, 7 लोग बचे, आधे लोग गायब हो गए। चलो, हो गया, मेन आदमी हैं। एक सेकंड। हाँ, क्लास लगी है, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई अभी? वो धोखे से बैक बटन दब गया था यार, जानते नहीं हूँ, मेरा अंगूठा बहुत तेज काम करता है। ओके, या वी शुड लर्न मोर एनी लैंग्वेज, बिकॉज वेन यू आर साय लाइक दैट एवरीबडी वी थिंक दैट यू आर ए सो प्रेटी स्पीकर। ऐसा मत बोलना किसी एग्जाम में, जूता मार के भगाएगा। तो चलो, यहाँ पर ये देख लिया हमने, अब हमें याद क्या रखना है कि जो हिंदी होती करती है, हिंदी में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आती करती है? सेंटेंस के लास्ट में, मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब था। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले मेन वर्ब होती करती है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है और इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, किसकी? इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में ध्यान देंगे दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। बोर्ड नहीं दिख रहा, क्या हो गया? हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, ये लाइन जो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कहाँ?
अरे मैं देखा ही नहीं। तो हिंदी इंग्लिश में हमें ध्यान देना है। तो इंग्लिश वाले में क्या होता करता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ये सीक्वेंस बदल जाता करता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और फिर हमारी मेन वर्ब आती करती है और फिर ऑब्जेक्ट आता करता है। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि ये वाली बात अगर समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। तो पानी आ गया और परेशान करने लगा, है ना, उसका यही काम ही है। हिंदी में मेन वर्ब आती है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मेन वर्ब आती है। मेरा ऑडियो ही नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। और जो हमारी अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। एक सेकंड रुको थोड़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब हमें पढ़ना है कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती करती हैं और कितनी सारी होती करती हैं, ठीक। तो हमने हेल्पिंग वर्ब की आईडी क्या समझी है, मेन वर्ब के लास्ट में होती करती है। तो पहले हम 24 के 24 हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, तभी तो उनको पहचानेंगे। जब जानते रहोगे कि ये चीज़ ऐसी होती है, तब ना उसको पहचानोगे। अब जब हमारा खून में एंटीबॉडी जानता रहेगा कि कोरोना वायरस है, तभी ना उसको मारेगा। जब जानेगा नहीं तो क्या मारेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम देखें तो तीन प्रकार की होती करती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। अगर हम कॉम्पिटेटिव ग्रामर की बात करें तो 6 लोग हैं 30 लोग में, तो 30 लोग क्यों जुड़े थे हमारे, ये समझ में नहीं आ रहा। सो ऑडियो थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा आप लोगों को, टेंशन की कोई बात नहीं है, 2-4 दिन में मैं माइक खरीद लूँगा। थोड़ा भी हमारे पास थोड़ा जानते हो तुम लोग, हाँ। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को एक नया नाम दे देते करते हैं। क्या स्टाइलिश लोग होते हैं ना इंग्लिश में, वो एक नया नाम दे देते करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक। क्या देते हैं इसे नया नाम हम, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब भी होता करता है जो हमारी मेन वर्ब की मदद करने को आती करती है। याद रखना है जो बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। अब देखते हैं यहाँ पर ये तीन प्रकार कौन कौन सी होती करती है, ठीक। तो ये नंबर 1 इधर आएगा, नंबर 2 इधर आएगा और नंबर 3 इधर आएगा। ओके, मैं नंबर 2 को थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो तीन नाम आ गए हमारे पास, कितने नाम आ गए, तीन नाम आ गए। नाम नहीं आए, बस मतलब बस वो आ गए हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये टाइप्स पढ़े जा रहे हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी जा रही हैं। टाइप्स 3 टाइप्स होते करते हैं, अच्छी इंग्लिश के लिए हम बता रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में पहला टाइप क्या होता करता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। कौन सी? PRIMARY, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं, इसे हम प्रिंसिपल भी बोल सकते करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी या फिर प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का, प्राइमरी का पी ले लो, ऑक्सिलरी का ए ले लो, तो भैया आगे चल के इसे हम क्या नाम देने वाले हैं, पीए। क्या? पीए नाम दे रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट, बहुत मदद करने वाली, ठीक। तो पहली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती करती है, वो पीए होती करती है। दूसरी जो होती करती है मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सी? मॉडल ऑक्सिलरी। तीसरी होती करती है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक। तो पहली है हमारी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्रिंसिपल ही ज़्यादातर यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी है। दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। सेमी मॉडल को थोड़ा हाई लेवल की ग्रामर में मार्जिनल ऑक्सिलरी भी बोला जाता है, मार्जिनल है, ठीक। तो इनके हम नंबर्स देख लेते करते हैं। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती करती हैं वो 11 होती करती हैं। कितनी होती करती हैं? 11। अच्छे से ध्यान देंगे, ये वाली हेल्पिंग वर्ब 11 होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी हमारे 10 होते करते हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी हमारे 3 होते करते हैं। सो फॉर द रिलीफ ऑफ एनी कन्फ्यूज़न, मैं वही नाम लिख देता हूँ जो मैं पहले लेता था, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी यानी पीए बोला जाएगा इसे, ठीक। प्राइमरी भी बोलते हैं, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे बोलते हैं यार, हम लोग अमीर हो चुके हैं। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी देखते हैं कितनी सारी होते करती हैं, 11 होती हैं। तो इनके सब में नाम लिखने जा रहा हूँ और इनकी हिंदी में इकट्ठा आपको एक PDF में दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते करते हैं हमारी इज, एम, आर। दूसरी आती है वॉज, वर। तीसरी आती है डू, डज, डिड। चौथी आती करती है Has, have और had। बहुत ही अच्छी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
तो 11 हो गई है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी कहलाती करती है। ध्यान देंगे जितनी हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ने को जा रहे हैं, ये मूल हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये मेन है, इनकी मदद से कई हेल्पिंग वर्ब बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इन पर आपको फोर्स एकस देना है क्योंकि ये मेन हेल्पिंग वर्ब है जो शुरुआती होती है। जैसे एक प्रकार के ये लोहा है, लोहा की मदद से हम दरवाजा बनाएंगे और तलवार बनाएंगे, लेकिन ये लोहा है। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में इज एम आर वाज वर डू डिड हैज हैव हैड इस तरह आ जाएगा। मॉडल की बात कर देगा, मॉडल में हमारे क्या आएगा, जिस तरह सीक्वेंस लिख रहा हूं उसी तरह आप लोग को समझना है। तो इसमें आता है कैन कुड, दूसरा आया शैल शुड, तीसरा आया विल वुड, कैन कुड शैल शुड विल वुड, फिर आएगा मे माइट और मस्ट, मे माइट मस्ट, और तीसरा आएगा हमारा ऑट टू ओ यू। अच्छा इसको नीचे ही रख दो, थोड़ा जगह का कमी हो जाता है, मे माइट मस्ट और आता है हमारा ऑट टू, ऑट टू साथ में रहेगा, और हमारे सेमी मॉडल आते करते हैं जिन्हें हम मार्जिनल बोलते करते हैं, नीड डेयर और यूज टू। सो दीज आर द 24 हेल्पिंग वर्ब्स। टोटल कितनी होती करती हैं, टोटल होती करती हैं हमारी 24। ये मूल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मतलब इनकी मदद से ही बाकी बनाई जाती करती हैं। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब हैं इनको आपको हिंदी में अभी लिख दूंगा बोर्ड में, तो आप ध्यान से देख लेना और इन्हें पहचानना सीखना है हमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी पीए, आगे चल के हम इसे पढ़ेंगे, पीए क्या, पीए इसका नाम है, पीए इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, असल में मॉडल जो होते करते हैं 13 होते करते हैं, जो मॉडल होते करते हैं आपने पढ़े हैं, आपने पढ़े भी होंगे, मॉडल्स जो होते करते हैं मॉडल्स वो 13 होते करते हैं। 13 मॉडल्स को हमने दो भाग में बना दिया, एक मेन मॉडल होता करता है और दूसरा हमारा मॉडल होता करता है और तीसरा दूसरा हमारा क्या है, सेमी मॉडल है, ठीक। तो मेन मॉडल और सेमी मॉडल में हमें फ़र्क समझना है। मेन मॉडल 10 होते करते हैं ए वाले पूरे, और सेमी मॉडल 3 होते करते हैं, तो 10 × 3 क्या बन जाते हैं हमारा, 13 बन जाता करता है, ध्यान देना है। तो मॉडल में कौन कौन से हमारे, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट और टू, और इधर साइड हमारे सेमी मॉडल यानी मार्जिनल ऑक्सिलरी कौन कौन से, नीड डेयर और यूज्ड टू। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज से आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, 24 होती करती हैं, और कौन कौन से हैं वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। हाँ तो मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया इसका, तो इनका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ने का मतलब क्या था, ये खुद ही में एक चैप्टर है, ये क्या है, खुद ही में एक चैप्टर है। अब जैसे इज एम आर हो गया, ये एक चैप्टर हो गया, वाज वर एक चैप्टर, डू डज डिड एक चैप्टर हो गया, ठीक। तो अब मैं इनके कुछ आपको हिंदी बता दूं ताकि आपको पता रहे कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस रूप में यूज होती है, सबसे खतरनाक औजार के चक्कर। तो इनकी हिंदी है तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना लोगे तो भी हम दे देंगे यार तुम्हें स्क्रीनशॉट, ऐसा ऐसा थोड़ी है मैं, बस मेरे साथ आप लोग में से 2 से 3 महीने तक जो टिक गया वो समझ लो इंग्लिश में महारत हासिल कर लेगा, मतलब महारत इतना कि उसे 12th तक की इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आने वाली, और अगर इतना उसे आएगा तो वो आराम से स्पोकन में बहुत दमदार हो सकता है, ठीक। क्योंकि मैं आपको ऑलमोस्ट 60-70% ट्रांसलेशन के रूल्स बता दूंगा, और जो बच्चे की हाई लेवल इंग्लिश जैसे सेंटेंस के हाई लेवल वाले हो गए तो वो सब बात की बात है भाई, बेसिक इंग्लिश इसका नाम ही है, तो बेसिक आपको क्लियर होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो अब हमें सबकी हिंदी यहाँ पर समझना है, तो 3 टाइप्स होते करते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। तो जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी उसमें हम देखते करते हैं, तो लाइन्स में सबको लिख दूंगा, असल में लिख के समझ में आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब कब यूज होंगी, जब सेंटेंस में ऑलरेडी एक मेन वर्ब होगी उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं ना, इतना आपको ध्यान देना है। सो क्लास का टाइम हो रहा है हमारे, तो ये क्या होगा, इज एम आर, इनकी पार्टिकुलर हिंदी होती करती है, यही ध्यान देना है, ये एक इंडिविजुअल ट्रांसलेशन रखते हैं अपने में। इज एम आर, इज यानि है, एम यानि हूँ, आर यानि हो, और हम आगे चल के चाहें तो पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी तरह से उनकी हिंदी को इंग्लिश में बनाने की क्षमता रखेंगे, लेकिन इज एम आर की अलग अलग हिंदी होती है, ये आज आपको ध्यान में रखना। इज यानी है, एम यानी हूँ, आर यानी हो। उसके बाद हमारे वॉज हैं, वॉज यानी होता करता है था, थी, और वर यानी होता करते हैं हमारा
थे, ठीक है। तो ये है हो गई हमारी सिंपल सिंपल, आगे अभी नहीं मैं आपको टेंस बता दूंगा, ये हो गई टेंस बता दिया जाएगा आपको, ठीक। इसके बाद आता करते हैं हमारा डू डज, ता है ती है ते हैं, डू डज यानी ता है ती है ते हैं, और डिड यानी ये हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ, इसलिए कल आपको यही सब मैं मेन वर्ब बताऊंगा। डिड यानी होता करता है वर्ब के साथ आ ई ए या, ये हेल्पिंग वर्ब कब यूज होंगे और इनकी हिंदी क्या होगी ये बताने जा रहा हूँ विद एग्जांपल्स, 5 मिनट बाद एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इज एम आर वाज वर हो गया ये दोनों, और डू डज डिड हमारा हो गया ये, ठीक। ये हो गए हमारे मेन। अब अगर हम इनके टेंस की बात करें, अभी तीन और हमारे हैज हैव है, ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं यहीं पर, हैज हैज हैव और है, थोड़े ऊपर से लिख दें यार मजा नहीं आ रहा, हैज हैव और है, मेरा बोर्ड छोटा है ना इसलिए, हैज हैव इन दोनों के लिए क्या आएगा हमारा वर्ब के साथ आ ई ए या की मात्रा, उसके बाद आएगा हमारा है हूँ हो। आगे चल के सब बहुत समझ में आएगा, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है ये अगर पढ़ लिए, मतलब जो बता रहा हूँ आगे चल के धीरे धीरे कोर्स में, मतलब जब 10-15 दिन हो जाएंगे तुमको तब ये सब चीज़ें तुम्हें लगेगी वाह यार क्या सरल है। तो उसके बाद हैड को हम क्या बोलेंगे वर्ब के साथ आ ई ए या, उसके बाद हमारा क्या आएगा था थी थे, है ना। अभी एक बहुत मज़ेदार बात आने वाली है, मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो ये हैज हैव हमारे हो गया और हैड हो गया हमारा, ठीक। तो इतना सारा है, तो यहाँ पर अब हमें प्रेजेंट और पास्ट की बातें करनी है। तो कौन सा टाइम होता करता है, टाइम तुम जानते हो, देखो समय जो होता करता है 3 प्रकार का होता करता है, ठीक। 3 कौन कौन से हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, और क्या हो गया हमारा फ्यूचर हो गया, है ना। एक बहुत अच्छी मैम है, नीतू मैडम है, उन्होंने ही बताया था लेकिन किसी ने मुझे बताया था और वो वीडियो देख रहे हैं। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होता करते हैं हमारे 3 टेंस। तो प्रेजेंट पास्ट होता है एक्चुअल में, फ्यूचर होता ही नहीं है। जो टेंस होता करता है यानी टाइम जो होता करता है, ये टाइम यानी टेंस ही है, ठीक है ना। टेंस बोलने में अच्छा नहीं आया, टेंशन आ जाता है यार। तो टेंस जो होता करता है 2 प्रकार का होता है, प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है। आपके पास अपना पिछला समय है और अपना अभी का समय है, लेकिन भविष्य तो आप बनाते हो ना। तो जिस प्रकार जिंदगी में भविष्य बनाना पड़ता है, उसी प्रकार ग्रामर में भी भविष्य बनाना पड़ता है, और बर्बाद भी करना आपके हाथ में है, और बर्बाद करने में तो हम सबसे आगे हैं। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंतर्गत हम देखेंगे समय कौन से क्या होते करते हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग ये जो डिब्बा है ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा, किसके लिए, प्रेजेंट। इनडेफिनेट कंटिन्यूस अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं टाइम की बातें कर रहा हूँ, किस समय कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज होती है, किसी भी वर्ब के समय या फिर उसके मूड को बताने के लिए, ठीक। अभी दोनों डिफरेंस हो जाएगा। और ये जो वाज वर्ब वाली ये हमारी किस में यूज होती है, पास्ट में। बहुत अच्छा फैक्ट आने वाला है, इसलिए तीनों लिखे गए, बहुत अच्छा फैक्ट आने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें, प्लीज डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मैं लगता है फ्लो फ्लो में ज़्यादा वो कर दिया था, ठीक है, जोड़ के रख दिया था। ये वाले जो आ रहे हैं ये हमारे आ रहे हैं प्रेजेंट के लिए, किसके लिए आ रहे हैं, प्रेजेंट के लिए। ले में इसको मिटा दें, ये प्रेजेंट के लिए आ रहे हैं। और डिड हमारा किसके लिए आ रहा है, पास्ट के लिए आ रहा है, ठीक। इधर साइड अगर हम देखें तो हैज़ और हैव हैं हमारे पास्ट, ठीक है। तो ये वाला जो है ये डब्बा साथ में रहता करता है, ये वाला डब्बा भी साथ में रहता करता है, और हैड है हमारे पास, ठीक है। तो जो हैज़ और हैव ये किसके लिए यूज़ होता करता है, प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, हैड किसके लिए यूज़ होता करता है, पास्ट के लिए यूज़ होता करता है। तो बहुत ही मज़ेदार बात आपने अभी देखी, ठीक है। तो वो मज़ेदार बात क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ, तो वो मैं मज़ेदार बात आपको बताना चाहूँगा, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने सभी पीए लिख दिया और उनकी हेल्पिंग वर्ब की मतलब हिंदी लिख दिया। कल आपको मैं जब इनके एग्जांपल समझाऊंगा बहुत सारे, तब तुम्हें ना तो टेंस पढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना तो मॉडल पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली, ना तो पैसिव वॉइस किसी का पढ़ाएंगे। लेकिन जब ये चीज़ें तुमसे बनती रहेंगी ना, तो तुम्हें टेंस के किसी रूल की तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं रटना पड़ेगा कि हैज हैव हैड लगाना है, फिर वर्ब ढूंढना है, थर्ड फॉर्म लगाना, फिर सब्जेक्ट ढूंढना, ये सब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली यार। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट से समझोगे, इंग्लिश बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, कहीं फ्यूचर आया, तो फ्यूचर आया,
फ्यूचर नहीं आया, तो कुल मिला के हमें फ्यूचर बनाना पड़ेगा। तो फ्यूचर बनाने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर बनाने के लिए हर जगह सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र यूज होता है, उसे हम बोलेंगे विल। फ्यूचर बनाने के लिए हर जगह कौन सी चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसे मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। ये विल है जो पूरे मतलब जितने भी प्रेजेंट पास्ट हैं इन सब का फ्यूचर का काम कौन करता है, हमारा विल ही करता करता है। इसे वर्ब में आपको मैं समझाऊंगा, विल बहुत बड़ा महारथी हमारा। तो याद रखेंगे यहाँ पर जितनी हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ी इनमें कहीं पर भी हमारा फ्यूचर नहीं था, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट था, है ना। अब मान लो जैसे फ्यूचर बनाना पड़ेगा तो उसके लिए विल लिखेंगे। तो ये आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है, अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ, क्या कराने जा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल ऑक्सिलरी हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी कराने जा रहे हैं। जनसंख्या कम हो रही है ये आना जाना क्यों लगा है। सो नेट हमारा होने वाला है ख़त्म, तो हम सोच रहे हैं कल ही करा दें। सो हाँ यार नेट तो बहुत ख़त्म हो गया, सो आज की क्लास हम करते हैं ख़त्म, बहुत नेट ख़त्म हो गया सही में। आज सुबह की क्लास थोड़ा लंबी हो गई थी ना, तो आज की क्लास में इतना ही, हम आपको कल करवा देंगे, इनके एग्जांपल्स भी कराने हैं। तो पीए आज आपने पढ़ लिया है, इसके एग्जांपल कल हो जाएंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, मतलब कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस प्रकार आप उसको ट्रांसलेट करने में यूज़ करोगे, कहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसकी हिंदी कल करा दूंगा, उसकी हिंदी बहुत मज़ेदार रहेगी, अजीब बोलता हूँ यार मैं, तो वो समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। मॉडल एकदम लगेगा नहीं, मॉडल पढ़ो इतना सरल है, टेंस और मॉडल सबसे सरल कहलाते करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बता रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्विक रिवाइज करा दूं। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब की मदद करने को आती है किसी भी सेंटेंस में, दैट मीन्स मेन वर्ब पहले से उस सेंटेंस में है, अगर नहीं होगी तो मदद करने को कहां से आएगी। और याद हमें ये रखना है कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस है तो उसमें मेन वर्ब होगी ही होगी, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है एडिशनली यूज हो। अब हो सकता है उस वर्ब में इतना पावर है कि उसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं, अकेले वो लड़ने पहुंच गई है, तो अगर कमजोर होगी तो हेल्पिंग वर्ब बुलाएगी, हेल्पिंग वर्ब दौड़ा दौड़ा चला आएगा। तो बाकी जो कल का लेक्चर होने वाला है हेल्पिंग वर्ब का, वो मिस मत करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी करोड़ों मतलब मजेदार बातें होने वाली हैं, और उसमें मैं आपको छोटी 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 पॉइंट्स बताने वाला हूं, ठीक। तो यहां आंधी आ गई यार, और मुझे आंधी से डर लगता है। सो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टाटा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बढ़िया है, किसी को तो समझ में आ रहा है।